तो आज की हमारी इस क्लास में विनोद जी के साथ हम बात करेंगे एंड और फॉर्मूले के बारे में। तो विनोद जी, सबसे पहले जानते हैं कि एंड और क्या इस्तेमाल कब होता है, ठीक है? तो हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, तो मैं लास्ट क्लास में बताया था कि अगर आपको चेक करना हो कि ग्रेटर देन 50 क्या है, तो आप इजीली जो है इफ फॉर्मूले के अंदर में आप ग्रेटर देन 50 करके चेक कर लेंगे। लेकिन मेरे पास यहाँ पे दो कंडीशंस हैं कि मुझे 50 to 80 को चेक करना है कि अगर नंबर 50 टू 80 पे है तो मुझे 800 का इंसेंटिव देना है, नहीं तो 100 का इंसेंटिव देना है, राइट सर? ओके। तो इसके लिए यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं कि दो कंडीशन है कि ग्रेटर देन 50 और लेस देन 80। तो जब आपके पास मोर देन वन कंडीशन हो तो हमारे पास दो फॉर्मूला है, एक एंड और दूसरा और। एंड फॉर्मूला का इस्तेमाल होता है जहां पर रिक्वायर कंडीशन हो, जैसे कि यहां पे रिक्वायर है कि 50 से बड़ा और 80 से छोटा दोनों होने ही चाहिए। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और बोला ग्रेटर देन इक्वल टू 50। सर शोर आ रहा है पीछे से, तो आप माइक म्यूट कर लेंगे तो ठीक रहेगा। लेस देन 80 तो हमने लगाया ए टू इज ग्रेटर देन 50 और ए टू इज लेस देन इक्वल टू 80। तो एंड के अंदर में क्या होता है कि अगर दोनों कंडीशन फुलफिल हुए तो आपको वहां पे रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो एंड जो है ट्रू एंड फॉल्स में आपको रिजल्ट देगा। जी हाँ, ट्रू एंड फॉल्स में। जैसे यहाँ पे मैं 55 कर दिया तो ट्रू आ गया, लेकिन मुझे तो 800 एंड 100 चाहिए था, तो मैं इस ट्रू एंड फॉल्स को इफ फॉर्मूले के अंदर डाल दूंगा कि इफ, और यहाँ पे हम कर देते हैं 800 और यहाँ पे कर देते हैं 100। तो क्योंकि इफ फॉर्मूला ट्रू एंड फॉल्स को ही कंसीडर करता है, तो यहाँ पे आपने देखा कि ट्रू एंड फॉल्स को हमने ले लिया। ओके अब बात करें, अगर हम और की बात करें कि और का एग्जांपल क्या होगा, तो मान लीजिए कि ये हमारे पास डे है जिसमें सैटरडे एंड संडे, मंडे ट्यूसडे फ्राइडे है। तो सैटरडे एंड संडे में मुझे यहाँ पे ऑफ वीक ऑफ दिखाना है, बाकी दिनों पे ऑफ दिखाना है। तो यहाँ पे मेरे दो कंडीशन है कि सैटरडे होगा नहीं तो संडे होगा, सैटरडे होगा नहीं तो संडे होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि दो कंडीशंस तो हैं बट दोनों रिक्वायर नहीं है, क्योंकि कि एक सेल में सैटरडे हो सकता है या संडे हो सकता है। तो यहाँ हमने क्या किया, हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया और का, और हमने यहाँ पे इक्वल हमने दिया सैटरडे, फिर कॉमा इसको सिलेक्ट किया और दिया संडे, और हम एंटर प्रेस करते हैं तो रिजल्ट आपके साथ ट्रू एंड फॉल्स में आता है। जी हाँ, ट्रू एंड फॉल्स में। और मुझे इसमें ओपन वीक ऑफ एंड ओपन को कन्वर्ट करने के लिए हम इफ फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। लास्ट में हम करेंगे यहाँ पे ये G2 में संडे है ही नहीं, फिर ट्रू कैसे आ गया? और फॉर्मूला कहता है कि मुझे एक भी कंडीशन मैच कर गया तो मैं ओपन मैं आपको रिजल्ट ट्रू दे दूंगा, अगर कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है तो मैं आपको फॉल्स करूं। समझ गए? दोनों में ट्रू होगा तो फॉल्स ट्रू आएगा, ये चीज आपका एंड फॉर्मूला करता है, समझे? क्योंकि यहाँ पे ट्रू तो हो ही नहीं सकता ना सर। क्यों? क्योंकि इसमें दो सैटरडे और संडे दोनों तो नहीं हो सकते ना, तो एक ही होगा, पॉसिबल ही नहीं ना दोनों सैटरडे संडे दोनों वैल्यू। लेकिन यहाँ तो इसमें सर ऐसा है मतलब कि दोनों अगर कंडीशन हमें प्रूव करना है तो एंड यूज करना है, और सिंगल कंडीशन आइदर ऑफ करना है तो और करना है। जी हाँ, मतलब कि आपके पास जो है मोर देन वन conditions है पर रिक्वायर्ड है। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, हम यहाँ पे कुछ नेम लेते हैं, नेम यहाँ पे हम देते हैं रिजल्ट,